वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 सितंबर 2019 और 24 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आखिर ये सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया क्यों जाता है। तो जो लोग गूंगे और बहरे होते हैं वो सांकेतिक भाषाओं का यूज करते हैं और इसीलिए हर साल 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिससे कि सांकेतिक भाषाओं के प्रचार और प्रसार के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। अब इस बार के सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। क्या है? साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो सितंबर के अभी तक के इंपोर्टेंट डे मैंने आपको कई बार बताए हैं, फिर भी मैं आपको सितंबर के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज कराता हूं। सितंबर में पहला इंपोर्टेंट डे मनाया गया था 5 सितंबर को और क्या था? इंटरनेशनल चैरिटी डे। उसके बाद आया था 8 सितंबर और 8 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद आया 10 सितंबर और 10 सितंबर को मनाया गया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसके बाद आया 12 सितंबर और 12 सितंबर को मनाया गया था दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया 14 सितंबर और 14 सितंबर को मनाया गया था हिंदी दिवस। उसके बाद आया 15 सितंबर और 15 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। उसके बाद आया 16 सितंबर और 16 सितंबर सितंबर का अभी तक का सबसे इंपोर्टेंट डे है और 16 सितंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ओजोन डे। उसके बाद आया 18 सितंबर और 18 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड बैम्बू डे। उसके बाद आया 21 सितंबर और 21 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अब ये 23 सितंबर को मनाया गया है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं इंपोर्टेंट डे आपको इसी फ्लो के साथ और इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आज मॉर्निंग में मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए अब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और आज की ही डेट में ये वीडियो अपलोड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा के बाद जरूरतों के आकलन पर कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी एनडीएमए ने आपदा के बाद जरूरतों का आकलन करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे जो भी डिजास्टर होता है, जहां कहीं भी आपदा आती है, नेचुरल आपदा आती है, तो उसके बाद आकलन लगाया जाता है कितना नुकसान हुआ और कितने लोगों को वहां पे राहत देने की जरूरत है, तो इसी के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया है? एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। अच्छा, एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी? एनडीएमए की स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ मनाई है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ मनाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसकी लॉन्च डेट आपको याद रखनी है। ये कब लॉन्च हुई थी? 22 सितंबर 2018 को और अब 23 सितंबर को पहली इसकी वर्षगांठ मनाई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब उत्तर प्रदेश ने मनाई तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की अभी नई गवर्नर कौन बनी है? आनंदी बेन पटेल। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलास। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 PATA यानी कि पैटा गोल्ड पुरस्कार जीते हैं? तो अभी केरल ने 3 PATA गोल्ड अवार्ड जीते, यानी किस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म आपके माइंड में क्लिक किया होगा, PATA, पैटा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेबल एसोसिएशन। तो अभी केरल ने 3 PATA गोल्ड अवार्ड जीते हैं। अब केरल ने जीते तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जब भी बात केरल की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, केरल का नाम सुनते ही शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां है? ये भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस के पद्मा देवी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एस के पद्मा देवी ये एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी, लेकिन ये कन्नड़ भाषा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी एस के पद्मा देवी और ये कन्नड़ फिल्मों की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शामिल हुई है? तो अभी अनुष्का शर्मा फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली टॉप 50 महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है, ये है अनुष्का शर्मा और यही फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली टॉप 50 विमेन्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। अच्छा, ये टॉप 50 विमेन्स की लिस्ट में तो शामिल हुई लेकिन ये रही किस नंबर पे हैं? तो ये 39th नंबर पे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 20 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है? तो अभी किरण रिजिजू ने 20 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की, यानी किस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही है, ये है किरण रिजिजू और इन्होंने ही अभी 20 नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है। अब ये जो नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे ये काम क्या करेंगे? तो 2024 में ओलंपिक होना है, उसका 2028 में ओलंपिक होना है। इन ओलंपिक की प्रिपरेशन में जो एथलीट लगे हुए हैं उनको और बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए ये 20 नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे और इसकी घोषणा की है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब निर्धारित किए गए हैं? तो अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है और इन दोनों ही राज्यों में आचार संहिता लग चुकी है क्योंकि 21 अक्टूबर को यहां इलेक्शन होना है और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। तो हरियाणा और महाराष्ट्र इन्हीं दो राज्यों में अभी इलेक्शन होना है। अब हरियाणा में होना है तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होना है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के अभी नए गवर्नर बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल विमेन महिला कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी बिहार में ऑल विमेन महिला कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया, यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है, बिहार में जो बीपीएससी कैंपस है, बीपीएससी कैंपस यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कैंपस है उसी में ऑल विमेन महिला कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल अवारे ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल अवारे ने कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब
राहुल अमारे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये हैं राहुल अमारे और इन्होंने 61 किलोग्राम वर्ग में यानी कि 61 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहां हो रही है, तो ये कजाकिस्तान में हो रही है। कजाकिस्तान में इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता गोविंदा को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो अभी गोविंदा को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये क्यों बनाए जाते हैं, कभी माइंड में क्लिक किया? मैं आपको कई बार बताता हूं कि इस चीज का ब्रांड एम्बेसडर ये बने, इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने, लेकिन कभी माइंड में आया कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिसका सोशल इंपैक्ट ज्यादा होता है, यानी कि जिसकी बातों का, जिसके कहने का समाज पर असर ज्यादा पड़ता है, उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जिससे कि जो कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनती है उसका इफेक्ट पब्लिक पे पहुंच सके। लेकिन अब मध्य प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है गोविंदा को, अब मध्य प्रदेश ने बनाया है, तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के नए गवर्नर अभी कौन बने हैं? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अभी मधुकर कामत को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मधुकर कामत और इन्हीं को अभी एबीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, एबीसी यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके अब नए अध्यक्ष तो यही चुन लिए गए हैं, मधुकर कामत। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है, तो अभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।